नमस्कार दोस्तों, आज मैं समोसा बनाना बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले ये मैदा एक कटोरी ले लिया है। जैसे ये अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बनाएंगे, जितने आपको ज़्यादा बनाना तो दो कटोरी ले सकते हैं। जैसे हमें आपको ये हमने एक कटोरी का बनाना है तो इतना लें। और फिर ये मटर लिया है हरा वाला, इसको बॉयल कर दिया है और ये आलू बॉयल करके रखे हुए हैं और इसमें रिफाइंड ऑयल लगेगा। और ये है खटाई, पिसी हुई खटाई, हींग, जीरा, अजवाइन और ये धनिया, खड़ी धनिया। और ये है हरी मिर्च, हरी धनिया, ये सब क्वांटिटी लगेगी। चलिए आलू फ्राई करने के लिए सबसे पहले तेल डालेंगे, आलू का पेस्ट बनाएंगे समोसा के लिए। भरने के लिए थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। उसमें जीरा डालेंगे, धनिया डालेंगे, अच्छे से चला लेंगे। मटर डाल देंगे, आलू को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ज्यादा नहीं फोड़ेंगे। डाल देंगे इसको, बहुत बारीक करके नहीं डाल, इसी में फोड़ना है कढ़ाई में। हमें इसमें मिर्ची डालना, धनिया डाल देना है स्वाद अनुसार। अब इसमें हम खटाई डालेंगे, खटाई ज़्यादा नहीं डालेंगे, जिसे जैसे हमारा ये पेस्ट है उसी हिसाब से डालेंगे। जैसे हम इतना डालें तो इसमें एक चम्मच डाल देंगे, एक चम्मच काफ़ी है। अच्छे से इसको एक जैसा मिला लेंगे। अब हमें पिसा हुआ नमक डालना है, जैसे खटाई को क्या करना है, जैसे कोई ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं, कोई कम करते हैं, तो उसी हिसाब से डाल सकते हैं। कम डालना चाहे तो कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा अगर डालना है तो और भी डाल सकते हैं, लेकिन मीडियम में एक चम्मच बहुत है। देखिए मेरा नमक तैयार करके रखा हुआ है, धनिया और लाल मिर्च, सूखी धनिया, लाल मिर्च, हींग, जीरा सबको पीस लिया एक साथ डाल के। अब इसमें क्या करना है, ये नमक हमने बना के इसको इसमें ऐड करना है। तो अच्छे से मिला लेंगे, ये देख सकते हैं ये बनके तैयार हो गया, मेरा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे थाली में। अभी हम मैदा को, मैदा में क्या क्या डालेंगे, नमक डालेंगे थोड़ा सा और ये अजवाइन है, अजवाइन को डालेंगे। इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे,
चार चम्मच बड़े डाले हैं रिफाइंड ऑयल। अब इसको अच्छे से गूंद लेंगे। देख सकते हैं इसको थोड़ा हमने टाइट रखा है, आटा से भी थोड़ा सा टाइट रखा है, इसलिए हम मुलायम रखेंगे तो फिर अच्छे से बनेगा नहीं। इस तरीके से रखना है इसको, इसको बेल लेना है लंबा लंबा करके। पूरी को गोल नहीं रखना है। पतली भी बहुत ज्यादा नहीं करनी है। ये साइज रखना है। इसी तरीके से हम सब पहले बेल लेंगे इसको, पूरी को इस तरीके से कट कर देंगे। इसको ये फोल्ड करेंगे इस तरीके, यहाँ से पकड़ के अच्छे से इसको दबा देंगे। इसमें मसाला डालेंगे, इसको ऐसे पकड़ा फिर इस तरीके से मोड़ देंगे। देखिए इसको पहले से अच्छे से दबा देना है, इसमें मसाला डाल के इसको फोल्ड कर देना है। इसी तरीके से सबको हम तैयार कर लेते हैं। देखिए ये हमने ये बन के हमने तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम सेक देंगे, तेल मेरा गर्म हो गया है। इनको बहुत ज़्यादा तेज में नहीं सेकना, थोड़ा नॉर्मली में सेकना है, नहीं तो फिर अंदर से अच्छे से पक नहीं पाएंगे। पहले मेरी थोड़ी ज़्यादा गर्म हो गई थी ना कढ़ाई, अभी मैंने कम कर दिया है, कम में सेकना है। धीमे धीमे सेकेंगे तब ये कुरकुरे होंगे, अच्छे से लगेंगे, इनका टेस्ट भी अच्छा लगेगा। अगर हम जल्दी सेक लेंगे तो ये अंदर से अच्छे से पक नहीं पाएंगे और अच्छे भी नहीं लगेंगे। हम उसे निकाल सकते हैं क्योंकि अभी ये ब्राउन हो गए हैं, अच्छे से पक गए हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसमें क्या किया, ये दही लिया हमने, दही की चटनी बनाई हुई है। दही में हरी धनिया, हरी मिर्च और नमक पिसा हुआ हींग डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए।